भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह को इस साल तकरीबन 6 से 7 फिल्मों से निकाल दिया गया। जी हाँ, कुछ इस तरह की खबरें आपने पिछले दिनों बहुत सुनी होगी। इस पर हमने भी सोचा कि पड़ताल की जाए कि किस तरह की फिल्मों से पवन सिंह को लगातार बेदखल किया जा रहा है, और ये तो उनके कैरियर के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो खैर, जब हमने इस पर पड़ताल की और कुछ ज़्यादा ही बारीकी से जब पड़ताल हुई तो पता चला कि पवन सिंह के जो बहुत ही फेवरेट डायरेक्टर हैं, या यूँ कह लें बहुत ही लकीस्ट डायरेक्टर हैं सुजीत सिंह, उनके डायरेक्शन में एक फिल्म बन रही है। नाम है भारत माता की जय। आपने पिछले दिनों देखा होगा प्रिंस सिंह राजपूत को लेकर वो फिल्म बना रहे हैं। फिल्म में पयास पंडित हैं, जो कि लोहा पहलवान में पवन सिंह की हीरोइन थी। आप अब समझ चुके होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। जी हाँ, ऐसी खबरें पवन सिंह के विरोधी खेमे से उड़ाई गई कि पवन सिंह को टोटल 6 फिल्मों से निकाला गया है। जहाँ तक कि इस बात की हम बात करें कि 6 फिल्मों से निकाला जाना कोई मामूली बात नहीं होती है। और 6 फिल्मों से क्यों निकाला गया, हम आपको यहाँ ये बताते हैं कि जब सुजीत सिंह, जो कि भारत माता की जय फिल्म के डायरेक्टर हैं और पवन सिंह के कई बेहतरीन फिल्मों, कई सुपरहिट फिल्म जैसे कि धड़कन, क्रैक फाइटर, भोजपुरिया राजा, सत्या जैसी कई बेहतरीन फिल्मों की का डायरेक्शन कर चुके हैं, और ये सुपरहिट डुपर हिट फिल्में थी। ऐसी फिल्मों का डायरेक्शन करने के बाद कोई भी डायरेक्टर यही चाहेगा कि वो उसी एक्टर के साथ काम करे जिस एक्टर के साथ उसकी फिल्में सुपरहिट होती हैं। लेकिन आप सभी जानते हैं कि पवन सिंह एक लॉयल इंसान है काम करने को लेकर। पवन सिंह हमेशा अपने इंटरव्यू में कहते हैं, जिस चीज़ पर मेरा मन बैठता है मैं वही काम करता हूँ। पवन सिंह हर हर गंगे की फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, ये सभी जानते हैं, और इस फिल्म की जो शूटिंग है वो काफ़ी दिनों से चल रही है बनारस में। और जो भारत माता की जय है ये फिल्म और हर हर गंगे फिल्म, आप फिर से सुनिए, ये दोनों फिल्में पवन सिंह को तकरीबन एक ही समय में ऑफ़र हुई थी। यानी आप ये कह सकते हैं एक दिन पहले पवन सिंह को हर हर गंगे ऑफ़र होती है, उसका स्क्रीन प्ले सुनते हैं, पवन सिंह को बहुत रास आती है, और फिर उसके थोड़े ही दिन बाद यानी एक हफ्ते ही बाद उन्हें भारत माता की जय फिल्म ऑफ़र होती है। सुजीत सिंह उन्हें ऑफ़र करते हैं और फिर सुजीत सिंह ये चाहते हैं कि फिल्म जल्दी जल्दी कम्प्लीट होनी चाहिए, और उनके जो फिल्में बनाने का तरीका है वो अलग है डायरेक्टर्स और भी बाकी डायरेक्टरों से। आपने अब तक जितनी भी उनकी फिल्में देखी होंगी आपको खुद ही अंदाज़ा हो गया होगा। तो ये बात खुद सुजीत सिंह कहते हैं कि हमने पवन सिंह से कांटेक्ट किया था लेकिन डेट इशू के चलते पवन सिंह ने इस फिल्म को करने से इनकार कर दिया। खबरें क्या चली कि पवन सिंह को 6 फिल्मों से निकाला गया, उस खबर पर भी हम आएंगे। लेकिन आप पहले ये जानिए कि जो ये पहली फिल्म है भारत माता की जय जिसे सुजीत सिंह बना रहे हैं, ये पवन सिंह को हर हर गंगे के बाद ऑफर हुई। हर हर गंगे को पवन सिंह ने डेट दिया था, और कोई भी एक्टर हो जो पवन सिंह की जगह होता वो डायरेक्टर को रुका के रखता, लेकिन डायरेक्टर को रुकना नहीं था। तो उस पवन सिंह ने यहाँ पर अपना पावर कुछ यूज़ नहीं किया, उन्होंने कहा आप किसी और एक्टर के साथ, किसी भी एक्टर के साथ आप फिल्म बना सकते हैं। अफवाह उड़ी कि पवन सिंह के छोड़कर सुजीत सिंह खेसारी के साथ, जी हाँ खेसारी लाल यादव के साथ फिल्म बनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुजीत सिंह गए प्रिंस सिंह राजपूत के पास और वहाँ उन्होंने प्रिंस सिंह राजपूत को स्क्रिप्ट सुनाई, उनको पसंद आई और ये फिल्म इस तरह से बनी। अब बाकी फिर बची 6 में से 5 फिल्में। 5 फिल्मों से पवन सिंह को क्यों निकाला गया, तो आपको बता दें ये पूरी तरह से अफवाह थी। जी हाँ, ये पूरी तरह से बात अफवाह थी कि पवन सिंह को 5 फिल्मों से निकाला गया है। अरे भाई, आप समझ जाइए कि भोजपुरी में गिने चुने बैनर हैं जो पवन सिंह को अफोर्ड कर सकते हैं, जो पवन सिंह के फीस कर सकते हैं, अपनी फिल्म में ले सकते हैं। अब ऐसे में पवन सिंह को, जो कि अभय सिन्हा के प्रोडक्शन के तले, बैनर के तले जितनी फिल्में कर बन रही है, जो कि भोजपुरी का नंबर 1 प्रोडक्शन हाउस कहा जाता है, अभय सिन्हा का यशी फिल्म, उसके बैनर की मोस्ट ऑफ वो 3 से 4 फिल्में कर ही देते हैं लंदन जाके। उसके बाद आता है रत्नाकर कुमार के साथ, तो रत्नाकर कुमार के साथ पवन सिंह ने, आप सभी को पता है कि फिल्म अनाउंस हुई है, फिल्म की डेट भी है, लेकिन पवन सिंह के पास अभी टाइम नहीं है क्योंकि पवन सिंह
बनारस में दूसरी फिल्म की शूटिंग करने जा रहे हैं, तो वो कब तक शूट होगी इसकी जानकारी खुद रत्नाकर कुमार ने कहा है कि इसकी जानकारी उनके पास भी अभी फिलहाल नहीं है कि फिल्म कब तक शूट होगी। तो दूसरा जो प्रोडक्शन हाउस है रत्नाकर कुमार, वो उनको अफोर्ड कर सकता है, और जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं पवन सिंह को, वो उनके साथ गाना लेकर आ ही जाते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह की अफवाहें पवन सिंह को लेकर उड़ रही हैं। तो अफवाहों पे बिलीव मत कीजिए, इसके लिए आप हमारा चैनल देखते रहिए, आपको यहाँ पक्की खबर।